तो क्या हालचाल मेरी आर्टिस्ट फैमिली, वेलकम टू ESPR। तो सबसे पहले थैंक यू मेरी चैनल पर 1K कंप्लीट करने के लिए। अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, मेरी हर हफ्ते जो वीडियो आती है उसको आपको पूरा देखना है और उसको लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट करने। मुझे मालूम है आप इतना तो कर ही देंगे मेरे लिए। तो बात करें आज के टॉपिक की, तो मैंने कुछ हफ्ते पहले रतन टाटा का एक क्विक स्केच अपलोड किया था और उसके अंदर एक कॉमेंट आया था कि भाई ड्राइंग ट्यूटोरियल पर कुछ वीडियो बनाओ, और आप कहो और मैं करूँ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी ड्राइंग ट्यूटोरियल पर वीडियोस बनाई है, लेकिन वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, जिस वजह से उसके अंदर कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। तो दोबारा मैं अपने ड्राइंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सिखाऊंगा सबसे बेसिक लेवल से कि ड्राइंग हम स्टार्ट कैसे करें, उसके अंदर कौन से मटेरियल लगेंगे और हमारा सबसे पहला कदम कौन सा होगा हमारी ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है पार्ट 1, और आज हम जानेंगे कि हमें ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए कौन से ड्राइंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी सबसे बिगिनर लेवल के लिए। तो बात करें ड्राइंग मटेरियल की, तो इतने सारे और इतने वैरायटी के ड्राइंग मटेरियल्स है, बिगिनर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें स्टार्टिंग के लिए कौन से ड्राइंग मटेरियल्स चाहिए। जब मैंने ड्राइंग की जर्नी में कदम रखा था तो ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ इस्तेमाल किया, सब ट्राई किया, सब ऑब्जर्व किया, उसके बाद मुझे पता चला कि ड्राइंग मटेरियल से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इम्प्रूव करनी चाहिए हमारे स्किल को। अगर हमारी स्किल्स अच्छी होगी तो हम किसी भी ड्राइंग मटेरियल से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद अपने ड्राइंग मटेरियल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे। तो ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 4 मटेरियल की ज़रूरत है हमें अभी। तो उन 4 मटेरियल्स को आज हम देखते हैं कौन से मटेरियल्स है। तो नंबर 1 है पेंसिल। तो अगर हम ड्राइंग के लिए पेंसिल की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, जैसे कि डोम्स की या किसी भी और ब्रांड की ग्रेफाइट वाली पेंसिल, जो कि 6 के शेड में आती है, HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, जो कि 60 या 70 रुपये में आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी हमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है तो हम ये सिंपल वाली पेंसिल ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्केल इम्प्रूव होती है, आप ड्राइंग में अच्छे से वर्क कर पाते हो, तो उसके बाद आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हो। सजेशन में मैं आपको बताता हूँ कि डोम्स की सबसे अच्छी होती है, 40 रुपये में आपको 6 शेड मिल जाएगा। नंबर 2 है शार्पनर। मैं बेसिकली 2 शार्पनर को यूज़ करता हूँ, नंबर 1 है नटराज, नंबर 2 है अप्सरा। तो नंबर 1 नटराज, जो कि मैं सॉफ्ट पेंसिल में इस्तेमाल करता हूँ, 6B, 8B और 10B। इनकी ग्रेफाइट जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और ये बड़ा वाला शार्पनर इस्तेमाल करने से वो उसके निब टूट जाते हैं। इस वजह से मैं इन जो सॉफ्ट पेंसिल होती है या कलर पेंसिल हो गई, उसके अंदर मैं ये छोटा वाला शार्पनर इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद है अप्सरा का ये वाला बड़ा वाला शार्पनर। तो अप्सरा का ये बड़ा वाला शार्पनर मैं अपने नॉर्मल किसी भी पेंसिल में इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी ग्रेफाइट हार्ड होती है और जल्दी टूटती नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये वाला शार्पनर इस्तेमाल करें, इस वाले की शार्पनर की लेने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इरेज़र। तो मैं अभी अप्सरा का ये वाला बड़ा वाला इरेज़र इस्तेमाल करता हूँ, जो कि 5 या 6 रुपये में मिलता है। ये डस्ट प्रूफ है, और आप जब पेंसिल को मिटाओगे तो पीछे कोई डस्ट भी ज़्यादा नहीं छोड़ेगा और ये अच्छे से साफ़ ही कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला इरेज़र परचेस करें। तो 4th और आखिरी पॉइंट है पेपर, जिसके अंदर आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हैं। बस एक बात जान लीजिए कि हमें अभी ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, तो पेपर और पेपर की क्वालिटी को ध्यान में रखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इन 3 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अच्छे पेपर क्वालिटी के हैं। तो नंबर 1 है ड्राइंग बुक। अब ड्राइंग बुक आपको आराम से किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी 50 या 60 रुपये में। इसके अंदर तकरीबन 20 पेज आते हैं और उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है, तो आप दोनों साइड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 है जेरोक्स पेपर। अब ये ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वर्क के लिए भी ये सबसे अच्छे कागज़ माने जाते हैं। ये मेरे पीछे जो आप ड्राइंग्स की देख रहे हो वो मैंने उसी पेपर पे बनाए हैं। अगर आप इसे ख़रीदने जाएंगे तो एक सिंगल पेज आपको 1 या 2 रुपए में मिलेगा, लेकिन आप अगर 500 सीट का पूरा लॉट लेने जाएंगे तो आपको 250 या 300 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 75 GSM वाला पेपर यूज़ करें। तो नंबर 3 है अनरोल्ड नोटबुक, जो कि आपको 30 या 40 रुपये में मिल जाएगी, वो भी 100 पेज वाली। मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ अपने जो प्रैक्टिस वर्क होते हैं उसके अंदर, मैं खुद इस नोटबुक को यूज़ करता हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये समझाऊंगा कि ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए जो प्रैक्टिस वर्क होता है उसके अंदर किस तरह की प्रैक्टिस होती है। तो आप दूसरा वीडियो मिस मत कीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है अपनी ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जानने के लिए प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्केच करते रहिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिए।